मो अभिज्ञतार पदे दुईपद कहवाक चाहे जीवन एक निर्दिष्ट पर्यायर मुत्यंत दुखद परिस्थिति गति करी शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक अशांति मत अथय कर जीवन सब आशा और आश्वासना मुझे हरई बसी ये समय योगासन को जीवन मार्ग भाव ग्रहण करी योग सहित युक्त होगापर धीरे धीरे मु शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलतार मुक्त है मो भितर पुनर्बार जीवन प्रति आस्था और आशा संचारित है जीवन से ही सब दुर्दशा को रूमु मुक्त पाई योग एवं योगासन मार्ग आपण एवं मध्य योग युक्त अच्छी योग करे यह मोर अंगे निभा कथा योग सहित निजक योग कर आज जो अच्छी आपण सहित द्विपद कथा हेबार जो मत समय दि जा बोध हुए ये मुझे सुधीवृंद योग शारीरिक मानसिक स्तर में सुस्थ रखे आम को कर्मचंचल रखे योग कले क्रांति लाभ लाघव हुए जद्वारा अल्प समय मध्य अधिक कार्य करवा संभव होता है योग जे कर्मकुशलतर अन्य नाम यह निश्चित ए शास्त्र सम्मत श्रीमद् भागवत गीतार कहुची योग कर्म सुकौशल योग माध्यम तो आम मानसिक शांति पाई तेरे से ही शांति को बजाय रखापी मानसिक स्थिरतार आवश्यकता रही आजिकल जुगरे आमर भौतिक आशा और आकांक्षा बढ़ी बढ़ी चली किंतु आध्यात्मिक दिग प्रति आम धीरे धीरे वितस्पृह हो जा पृथ्वीर संबल सीमित अथच मनीषर आशा असुमारी मनीषर सब आशा आकांक्षा किंतु परिपूर्ण हो पारे ना से जगजुक्त हेले संतुष्टता आसे दुखर कारण कामना संतुष्टता कामना को विनाश करिपारे ताबन कौन सीमित प्रांति संतुष्ट हो पारे ना यही अप्राप्ति जनित दुख मनीष को कबलित तो करे सुखर अन्वेषण ठारु बड़ी बड़ दुख आउ किछि ना किंतु यार अर्थ नुहे जे मनीषर जीवन बा समाज भौतिक विकास आवश्यकता ना भारतीय परंपरारे चतुर्वर्ग कथा कह जाए मनीष जीवापी धर्म अर्थ काम मोक्ष आवश्यकता रही अर्थ बिना जीवन अनर्थ तार कारण जीवन दारिद्र ठारु बड़ किछि दुख ना किंतु बंधुगण मनुष्य हूँ श्रेष्ठ जीव भगवान आमको परिपूर्ण करिसंति जोड़े सुंदर आखि दे पृथ्वी को देखापी कान दे शुणापी मुह दे कथा कहवापी भगवान को स्मरण करने वंदना करने खाद्य ग्रहण पाई नाश दे नाश्य दे निश्वास नेवाई गोड़ दे चलवापी कम करने हाथ दे कम करने शरीर मध्य बहुत से गोटे बड़ इंजीनियर बहुत जिनस खंजी दे मनुष्य चलुच बड़ी ये एत बड़ इंजीनियर ये आम शरीर जो पंचभूत शरीर ए शरीर साफिसीएंट नुह से बाहर मध्य जल दे वायु दे आकाश दे पृथ्वी दे नदी समुद्र झरणा पहाड़ पर्वत गच लता के आम परिपूर्ण आम संपूर्ण आँ दे सबुठार आम मानव सबुठार अन्न जीव ठार भिन्न कहीं आमको चिंता करिवार शक्ति दे आग पच विचार करिवार शक्ति दे तेणु मत बापा छोट बड़े कहते मुत बड़े छोट बड़ को किसी बुझी पार नथिले धन नथिले भावना नहीं मनरे अच्छी बड़ मनर बड़े करे पारे मु दुनिया टलमल तेणु बापा आमर कहते मुझे भावुची आम जो स्तर रू आज आसलु आपण मान स्नेह ममता
तेणु मधुबाबू को मन पकेबा को चाहे मानव जीवन नुह केवल वर्ष मस दिन दंड कर्म जीवनर कर्म एकातर जीवनर मानदंड तेणु कर्म करिवार आवश्यकता रही भगवान सबू दे हाथ गोड़ केते जिनस कहला बेलू मो आखिर लोह बढ़ी जा सब जिन परिपूर्ण कर संपूर्ण मानव तेणु आम कर्म करवा आज जिते महेशी मान नाम कहली से माने कर्म बल आज आम आगे से माने आमे तांगु चिरस्मरणीय प्रातस्मरणीय आमे चिरस्मरणीय हेबाकु चाहुन आमे तांको परी हेबा चाहुन किंतु मनीष परी मनीष हेबाकु तो चाहिबा आज गोटे छोट झीओटे जिते बड़े ए पृथ्वी रे जन्म नेउछी पूरी परी कहुछ अरे तांको घरे ना लक्ष्मी आसीछी परीटे आसी से हसिले आमे हसुचु से कांदिले आमे कांदुछ से दौड़िले आमे दौड़ुचु किंतु दृष्टि वृत्ति कृति दृष्टि आमर काहीकि एते खराब हो जाउछि मु बहुत दुखी माता मानकु तार रेस्पोंसिबिलिटी देबाक पड़िब दायित्व नेबाक पड़िब मा मानकु आगेबाक पड़िब मा माने होउछन्ति पिला मानंकर प्रथम शिक्षयित्री परिवार परिवार रू पिला सबू शिखे तेणु परिवार को हमको सुधारिबाक पड़िब तेणु आज ज्ञान प्रभा को तो निश्चित भाव में धन्यवाद देवी से माने गाँ गाँ रे कुमारी मानंकु मध्य शिखौछन्ति आज कुमारी कालीर माँ डॉक्टर हेउ इंजीनियर हेउ वैज्ञानिक हेउ कहीं भी हेउ दिने तो से माँ ही हेबो ना तेणु माँ जिते बड़े शिखेब कहीं छोट छुआ मैंने अनुकरणीय प्रिय से माने अनुकरण करते आमे जहाँ देखा जहाँ कम करवा से माने अनुकरण करते तेणु माँ मैंने से मुझी से आस झापरी हेबा उन्मान आस आकाश परी हेबा व्याप्त आम क्रांति तेजी आम प्रलय साजी अग्रज हेबा अयोधरार आम आग को जीवा आम थकवा ना आम हार ना आम आगे थका हारा आसी जाए मु किसी कम करी ना आम कहीं आम माल पिंधि सारी कम कर आम मनरे बांधि सारी हाँ मुझे अफिस् जी जदि अफिस् जी घर कम करी ना छुआ को देखी ना ये कथा हेब ना कहा पाखे छाड़ जीवा से संस्कार आपण पाखे अच्छी से संस्कार आपण को देवाक पड़ आमको कष्ट पड़ से जड़े महान आत्मा तांको ना नेबा को चाहे ना से कहते भारत ए जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जगता ए राष्ट्र माता भी है राष्ट्र पिता भी है गोटे शरीर को जदि दीपाड़ करा जाए एवं गोटे अंश आपणकर दुर्बल ही है जीवो ताहले ताको सुस्थ शरीर कहिबा कि आज भारत बर्षरे अधा होउछंती मां माने महिला माने आमे विश्वगुरुर स्वप्न देखुछु स्वप्न देवा का आवश्यक हेबा मध्य दरकार लेकिन अधा माता आमे केबे भी एठी बहुत सुंदर से माने सेतेबेले गीत गाउथिले आमे करुणा चाहुनु दयार पात्र नहु आमे करुणा भी चाहुनु आमे दयार पात्र नहु आम पाखरे सत्शक्त्रिय शक्ति अछि से कहउछन्ती नारी तु नारायणी नात्री नारी तु सर्वशक्ति दायिनी नारी तु करुणामय नारी तु क्षमामय ताले आमको आहरी आज जितकी जोर सोर दौड़ुछु ना गोटे गाँवली लोक तो गाँव भाषा टिके कहुछि आहरी आमको क्षिप्र गति रे दौड़ा को पड़ो कहीं जीवन रो जो अवधि ना बहुत कम से कम समय भितर आमको बहुत काम करिया पड़े सेतेबेले आमको जने प्रोफेसर पढ़ाउथिले हे आत्मनिद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार आलोचन कर कर निरीक्षण निशब्द जीवन सत्य धाऊँ छिकी परी भेटिबा को मृदु सिंधु कराल लहरी
आमे बहुत शीघ्र शीघ्र से आड़ को धाउछु काली परे लागुथला मु छुआ थिली आज आज शरीर टिके नई गलानी आउ काम करिवार नाही शक्ति नाही तेणु एबे ही करिवार अछि काली का नाही तेणु आज माँ मान को ए भणी मान को मु धन्यवाद देबी से माने तांकर घर द्वार छाड़ी तांकर भी संसार अच्छे बापा माँ अच्छा किंतु घर द्वार छाड़ी से माने सन्यास भाव से माने देश पाई से माने समाज पाई निजकु से माने त्याग कर बलिदान दे समाज पाई आमे सेतके करि पारिबानी सहयोग करि पारिबानी आम निज परिवार को मु काली एथि माँ मान को कहले हेबो नै एथि भाई माने भी अछन्ति नहले भाई माने कहबे अरे माँ मान को तो आमर कोन से लक्ष्मी नारायण राम सीता हरिहर हर पार्वती समस्ते दोई दोई तेणु समस्त को हाथ लगे पड़ो समस्त दृष्टि वृत्ति कृति समस्त चाल चलन चेहरा समस्त मन वचन कर्म अर्थ सर्वस्व जीवन जीवन नुहे धर्म व आध्यात्मिक बिना अर्थ जीवन को दिशाहीन कर दिए से भारतीय परंपरार अनाशक्तिर कथा कहुए जीवन पद्म फूल जलपरी होगा चाहे आम संसार प्रति आस्था रखा किंतु आसक्त होगा ना पद्म जपरी पंकरु पद्म से किचेड़ से एटी काम क्रोध लोभ मोह हिंसा देश गर्व अहंकार सब अच्छे किंतु आमे ता भितरे एमती नहीं कि आमे गोटे स्वर्ग रे हटात करी जाय परिवार आमे जुग परिवर्तक होबा जुग एमसी जेमती कि सत्य त्रेत्या द्वापर कोळी आपे आपे आसी जाए ना परिवर्तक जुग परिवर्तन पई आमे परिवर्तन हेबा आवश्यकता तेबे जाय कि सत्य जुग आछ आमे कहू अरे एटा तो कोळी सरी आसलाणी सत्य जुग आसिबो सत्य आपे आपे आसे ना सेतिपई काम करिया को पड़े आमको करिया को पड़ो आम संसार प्रति आस्था रखा किंतु आसक्त होगा ना त्याग मध्यम भोग करिया को आम संस्कृति में सर्वाधिक गुरुत्व दि जाशो उपनिषद से कह तेन तक्तेन भुंजी था माँ ग्रोध कश्य शीत धनम यह बोध हुए भारतीय संस्कृति साराश ब्रदर मंडली वर्तमान पृथ्वी गोटे बड़ समस्या मध्य गति करकृतिर अस्वाभाविक आचरण यही अस्वाभाविक आचरण दुईटी दिग आपण मैंने स्पष्ट देखिपे गोटे हूँ जलवायुर परिवर्तन एवं अन्यटे हूँ पृथ्वीर तापमात्रर वृद्धि प्रकृतिर यही कोप जारी रहिले पृथ्वी रे जीवन जीवजगतर जीवन यात्रा असह्य पड़िबो यही दुई पर्यायर पृथ्वी को मुक्त करिया को हेले एवं आम उत्तर पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देवा को हेले प्रकृति अनुकूल जीवनशैली अपरिहार्य